बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद हमीरपुर में जल संकट गहरा गया है। हमीरपुर शहर के अधिकतर हिस्सों में चौथे दिन पेयजल सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। हमीरपुर शहर की उठाऊ पेयजल योजना पलाही की मेन पाइपलाइन ही टूट गई है। पेयजल योजना से पानी को लिफ्ट करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। व्यास का जल बहाव पेयजल योजना को व्यापक स्तर पर चपेट में ले चुका है। जल स्तर कम होने की वजह से पेयजल योजना को बहाल करना जल शक्ति विभाग के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा ने बताया कि पेयजल सप्लाई को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का यह प्रयास है कि शुद्ध पेयजल सप्लाई सुनिश्चित हो। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की रिपोर्ट। बलिवंती जानते हैं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं जानकारी देता हूँ, क्योंकि पीछे बहुत भारी बारिश हुई है और जैसे कि हमीरपुर जो टाउन है और आसपास के क्षेत्रों में ब्यास से पानी उठाया जाता है और ब्यास से पानी की किल्लत हुई है, क्योंकि ब्यास में भारी बाढ़ आई हुई है। पूरी की पूरी पाइपलाइंस जो डैमेज हुई हैं, स्कीम्स प्रभावित हुई हैं, कई स्कीम्स बह गई हैं, तो प्रशासन जो है पूरा का पूरा वहीं पे लगा हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो है इन स्कीमों को चालू किया जाए और लोगों को पानी की सुविधा पहले जैसी दी जाए। और मुझे उम्मीद है, मेरी प्रशासन से बात हुई थी, दो दिन से लगा हूँ मैं भी टच में हूँ, तो जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे टैंकरों से भी पानी भेज रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। और जो बाकी की जो मुझे जानकारी है कि आज शाम तक स्कीमें जो है वो स्कीम जो है जो हमीरपुर टाउन की वो चल पड़ेगी और आज शाम से लोगों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अगर आज भी मुझे जिसके भी फ़ोन कॉल्स आए हैं, जहाँ से भी फ़ोन कॉल्स गांव या शहर से आए हैं, जिन्होंने भी ये मुझे बोला कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे टैंकों का भी इंतज़ाम किया प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं। पानी की समस्या जो थोड़ी रही होगी, मैं समझता हूँ कि जो अभी बारिश की वजह से सारे नदी नालों के अंदर जो पानी था उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा थी, तो उस टर्बिड वाटर को विभाग उठाता नहीं है, इंतज़ार करता है कि वो थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद पानी लिफ्ट करता है। लेकिन फिर भी हमने विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो पानी की जो आपूर्ति बारे जो भी उन्होंने कदम उठाने हैं वो तुरंत उठाए और पानी का शॉर्टेज का इशू कहीं भी ना हो, इस चीज़ की कोशिश रहे। और साथ ही साथ जो पानी सप्लाई भी किया जाए उस पानी में किसी तरीके की प्रदूषित सामग्री का ना हो, और उसको इंश्योर करने के लिए उनके सैंपल्स लिफ्ट करके टेस्ट करें, सो दैट ऐसा ना हो कि पानी सप्लाई हो और हम फिर किसी पानी से जनित रोग की समस्या से गुजरें। तो क्वालिटी के साथ पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने जल शक्ति विभाग को कहा है कि उसको दुरुस्त। न्यू कृष्णा एम्पोरियम कांगड़ा, यहाँ पर मिलेगा आपको होलसेल दामों पर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर। फैंसी सूट, दुपट्टा, पार्टी वेयर ड्रेसेस, साड़ी, लहंगा, सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल और शादियों के लिए दाज एंड वरी के लेटेस्ट डिजाइन, तो देर ना करें, जल्द आए न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड कांगड़ा और रानीताल में दूसरे शोरूम, शॉप नंबर 6, फर्स्ट फ्लोर नियर पेट्रोल पंप, रानीताल।